हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दर्शन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं राइट जोन एक्सपल्स। तो अभी जैसे कि मेरे पीछे आपको दिख रहे होगी KTM 250 एडवेंचर खड़ी है, तो आप सही समझ रहे हो कि आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसके फीचर्स और इसके सभी चीज़ों के बारे में आपको एक डिटेल में बताने वाला हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यार गाइज, आप बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते और अच्छे लगते तो प्लीज़ आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो कैसा है कि उससे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो आगे लाते रहूंगा। तो अब फटाफट हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ इसके। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करेंगे। फ्रंट लुक में अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसकी विंडशील आती है, तो इसकी विंडशील एक्चुअली मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से। इसके नीचे आप आओगे तो आपको इस बाइक में हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगी विद दिस DRLs। बट मैं इस बाइक में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको जो है LED मिलनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अब तो ड्यूक 250 में भी आपको LED मिलती है। आपके जो टर्न सिग्नल से आपको LED मिल जाते हैं, जो आपको नॉर्मल ड्यूक 250 में मिलते थे वही। अब नीचे आए तो हम यहाँ पे इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको WP एपेक्स की तरफ से सस्पेंशन मिलते हैं, अपसाइड डाउन इसके सस्पेंशन से। इसका ट्रेवल 177 mm है। और यहाँ पे इसके टायर फिगर्स की हम बात करें तो टायर फिगर्स इसका 19 इंच है। तो आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा ये 19 इंच का इसका टायर है, 100x90 सेक्शन का। तो ये MRF के टायर्स आपको मिलते हैं ड्यूअल पर्पस ऑफ रोडिंग के लिए। यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक दोनों में डिस्क मिलता है और दोनों में आपको ABS कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि स्विचेबल है, आप ऑफ रोडिंग में उसको ऑफ भी कर सकते हो। तो जैसे हम इसके इंजन की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रेडिएटर दिखेगा अपना, ये ड्यूअल फैन रेडिएटर है। ये आपको एक्चुअली इंजन को ठंडा करने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेन पर्पज इसका ऑफ रोडिंग के लिए बना। तो ऑफ रोडिंग में क्या होता है कि आप ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं जाते हो, बट आप एक जगह स्टक रहते हो या तो फिर आप एक ही गियर पर ज़्यादा रेव करते हो, तो उस टाइम पे इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो तभी आपको हेल्प करेगा ज़्यादा। देन हम इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सी बेस्ट प्लेट मिल जाती है। ये एक फाइबर की है, मेटल का यहाँ पे एक एग्जॉस्ट के नीचे मेटल का पार्ट दिया, बाकी ये पूरा फाइबर है। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें इंजन का क्रैश गार्ड मिलता है जो कंपनी फिटेड आता है, और ये KTM ने जो प्रोवाइड किया है काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये आपका पूरा फेयरिंग को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी जब भी गाड़ी गिरेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इससे। सो इस इंजन में आपको 29.5 BHP की पावर मिलती है एंड 24 Nm का टॉर्क मिलता है, और ये एक ऑयल कूल्ड इंजन है जो कि आपको मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। इंजन 248 cc का है एंड इसमें 6-speed गियर बॉक्स आता है। बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि आपका गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी स्मूथ कर देता है। देन हम यहाँ पे आते हैं इसके फुटपैक्स पे। इसका जो फुटपैक्स है, ये इसमें जो रबर लगा है, ये रबर इसको आप निकाल सकते हो, अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे इसके जो ब्रेक इसका जो ब्रेक है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें टीथ जैसा बना हुआ है ताकि ऑफ रोडिंग में आपको अच्छा ग्रिप दे उसके लिए। देन हम पीछे जाएंगे तो मेन इसका जो है साइलेंसर आता है। इसका साइलेंसर मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्लिक डिज़ाइन है, एक पतला एक अच्छा लुक देता है ये आपको। तो यहाँ पर आपको एक कंपनी की तरफ से LCD पैनल मिलता है, नॉर्मली TFT डिस्प्ले रहता है लेकिन इसमें LCD पैनल मिलता है, तो LCD पैनल काफ़ी अच्छा है ये, आप धूप में कहीं पर भी इजिली रीडेबल है ये। और इसमें आपको टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको आपका फ्यूल गेज मिल जाएगा, यहाँ पे ऑडियोमीटर है, टैकोमीटर है, यहाँ पे आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाएगा, यहाँ पे दो स्विच दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी गाड़ी की रेंज कितनी है वो सब मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ABS ऑन है वो दिख जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। बट मुझे इसमें एक चीज़ की कमी लगी कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती, जो कि कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए थी। देन हम आते हैं ठीक उसके नीचे, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलेगा, जहाँ से आप अपने मोबाइल में चार्ज वगैरह कर सकते हो, तो वो एक कंपनी ने इनबिल्ट प्रोवाइड किया और वो काफ़ी अच्छा है। देन हम इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक हैंडल बार मिल जाएगा, जो कि अपराइट पोस्चर में है और वो आपको लॉन्ग राइड में काफ़ी अच्छा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करेगा। देन हम इसके बटन्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके बटन्स का फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, जो हम KTM से एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने प्रोवाइड भी किया है। ये आपका किल स्विच है, यहाँ पे आपका सेल्फ है, यहाँ इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका इस तरफ पासिंग लाइट दिया गया है, ये आपका हेडलाइट के लिए बटन दिया गया है, ये फिर आपका अपना टर्न सिग्नल है एंड देन हॉर्न आता है। फिर हम इसके टैंक के बारे में बात करेंगे, तो इसके
कैपेसिटी है 14.5 लीटर की, जो कि आपको एक अच्छा रेंज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे इसके सीट के बारे में बात करें तो एक्चुअली राइडर की जो सीट है वो एक्चुअल में काफ़ी लंबी सीट है यहाँ तक, तो ये आपको एक कम्फर्ट जोन प्रोवाइड करेगा वाइल सेडलिंग एंड लॉन्ग राइडिंग। और इसकी कुशनिंग के बारे ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। एंड ये आपको स्पोर्टीनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें स्प्लिट सीट KTM प्रोवाइड करती है, और वो भी काफ़ी अच्छा है, पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, अगर आप कभी राइड पे जाते हो लंबा तो यहाँ पे आपको जगह मिल जाता है, अगर आपको कुछ भी बांध के लेके जाना है तो यहाँ बांध के लेके भी जा सकते हो। तो हमने इसके फुट पैक्स के बारे में बात की, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, ये फुट पैक सारे फोल्डेबल है, ठीक है, ये फोल्ड हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ KTM ने बहुत अच्छी की है कि गियर, अपना गियर शिफ्टर जो है ये भी फोल्डेबल है। अभी मेरे फ्रेंड ने जो इसके ऊपर एक कवर लगा दिया है तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी देखो आप देख सकते हो पूरा फोल्ड हो रहा है। तो आप कभी गिरते हो ऑफ रोडिंग करते हो तो ये आपका गियर टूटेगा, मतलब ये गियर शिफ्टर जो है टूटेगा नहीं, वो सबसे बड़ी बात आती है। देन आपको यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इसमें मिल जाता है। इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ट्रेवल जो है 170 mm है। देन हम इसके रियर टायर के ऊपर आते हैं, तो रियर टायर जो है इसका 17 inch का है, और इसका सेक्शन जो है 130x80 का इसका सेक्शन है। इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड हो जाता है, और इसमें ABS कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देन हम इसका पीछे का रियर अगर लुक देखें तो सबसे फेवरेट है मेरा, मतलब मुझे ये गाड़ी में सबसे अच्छा इसका ये पीछे का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। इसकी सीट हाइट अगर हम देखें तो सीट हाइट आपको मिलने वाली है 855 mm। एंड इस बाइक का वेट जो है वो वेट होता है इसका 177 kg। तो अब इसका मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, देन हम इसको राइड करेंगे। गाइस अपना मोटर व्लॉगिंग सेटअप में मैं आ गया, और अब इसका राइड रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अब मैं बताऊं तो इसको आप जब स्टार्ट करोगे तो इसका फर्स्ट मैं अगर बोलूं तो इसका पिकअप तो जो है बहुत अच्छा है। फर्स्ट गियर में ये वन नॉर्मली 20 इसके लिए इजी है। देन अगर आप जैसे आप राइड करते हो उसके हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से इसका इनिशियल पिकअप जो है काफ़ी अच्छा है। एंड इसका जो मिड रेंज जो है, मुझे इसका मिड रेंज एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा, जो कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी काम आता है। मिड रेंज कभी अगर मतलब ऑफ रोडिंग अगर आप कर रहे हो तो मेन क्या होता है कि आपको कहीं पर आप स्ट्रक हो जाते हो, आपको मेन पावर डिलीवरी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट और मिड रेंज में रहती है। तो इसमें जो है मिड रेंज में एक्चुअली काफ़ी अच्छा पावर प्रोवाइड होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि KTM 250 नॉर्मल जो ड्यूक 250 है उसके इंजन से इसके इंजन में थोड़ा डिफरेंस है। इंजन में डिफरेंस नहीं है, 248cc का आपको इंजन मिलता है, 29.5 bhp की आपको पावर मिलती है, बट इसका जो है ट्यूनिंग डिफरेंट किया गया है। और एक्चुअल में इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं मतलब KTM के इंजन तो ऑलरेडी पहले से रेसिंग के हिसाब से ही बनते हैं, लेकिन ये एडवेंचर बाइक चलाने के बाद भी मुझे ना इसमें एक्चुअली काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और इनके इंजन में तो भाई आप रेड लाइन इजीली टच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा समझो। तो इसमें तो वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, टॉप एंड भी इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इसके मिड रेंज में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो पावर डिलीवरी में आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देन हम बात करते हैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में, तो इसका राइडिंग पोस्चर आप देख सकते हो कि काफ़ी अपराइट दिया गया है। अपराइट पोस्चर की वजह से आप कभी भी लॉन्ग टूर करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बैक पेन नहीं होने वाला। नॉर्मली आप माइल्स टू माइल्स या फिर आप इजीली जा सकते हो इसमें। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे इसका डिस्प्ले देख रहे हो, इसका डिस्प्ले इजीली रीडेबल है। अभी मैं ऑलमोस्ट एक बजे मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो आपको इजीली रीड होता होगा इसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में भी इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। देन इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, मैंने आपको बताया था। मैं एक ऑफ रोडिंग पैच भी मैं कवर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि सेटलिंग अगर करोगे या फिर आप नॉर्मली ऑफ रोड जाते हो तो आपको मतलब इसमें कैसा कम्फर्ट जोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब आप इसको प्रॉपरली राइड कर पाओगे या नहीं, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ अभी। तो इसके सीट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सीट जो है, इसकी सीट की कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छी की गई है। मुझे ऐसा कुछ अभी दिक्कत तो नहीं आ रहा, इजीली मैं बैठ पा रहा हूँ। मैंने इवन गाड़ी राइड भी किया है, ये एक्चुअली मेरे दोस्त की गाड़ी है तो मैंने इसको राइड भी किया है थोड़ा लॉन्ग टूर में भी, तो ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम अभी तक तो मिला नहीं है। इसका सीट का कुशनिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे पसंद है। इवन पिलियन को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं मुझे ऐसा लगता है। और कभी आप कभी ऐसे लंबे सफ़र पे निकल गए हाईवे पे और कभी आपको अगर ओवरटेक वगैरह करना है तो यार ये बाइक में आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें पावर डिलीवरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। ये देखिए अभी थर्ड गियर पे हूँ मैं थोड़ा पुल करूँगा ना अगर इसका एक्सी
तो इसमें पावर डिलीवरी इतनी अच्छी है कि बाइक आपकी मतलब एकदम बहुत सही निकल जाएगी यार। ये देखिए अभी मतलब विद इन अ सेकेंड, मतलब 3 से 4 सेकेंड भी नहीं लगा होगा 30 वाले 60 आराम से पहुंच जाती है वैसा है। तो इंजन के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, इंजन का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जैसे ना एडवेंचर बाइक अगर आप लेते हो तो एडवेंचर बाइक में आपको एक कम्फर्ट जोन भी मिलता है, आपको बैक पेन नहीं रहेगा, नॉर्मली आप अच्छे से कहीं पर भी जा सकते हो। इसमें जो टायर्स है वो MRS के मिलते हैं, ड्यूअल पर्पज़ टायर्स है। तो मैंने अभी ऑन रोड चलाया है, लेकिन नॉर्मल टायर जो KTM की बाइक में मिलते हैं जो नॉर्मली ऑन रोड के लिए बनती है, तो उनसे इस ग्रिप को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके दोनों ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए बने हैं ये टायर्स। तो उससे आप कंपेयर इसको नहीं कर सकते हो, बिकॉज कैसा है कि उसका ग्रिप अलग है, इसका ग्रिप अलग है। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि ये टायर्स आपको ज़रा भी निराश नहीं करने वाले, आपको परफॉर्मेंस उतना ही मिलने वाला है, ग्रिप उतना ही अच्छा मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ऑफ रोड जाओगे तो आपके लिए एक एडवांटेज है कि ये टायर से आप इजीली ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी सीट हाइट जो है वो 855 mm है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया बाइक को चलाने में या फिर ट्रैफिक में कंट्रोल करने में, क्योंकि ये इजीली आप इसको कर सकते हो। अगर आपकी हाइट जो है 5.6 या 5.7 है तो आप ये बाइक को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा जानबूझ के ऑफ रोडिंग पैच में आया हूँ ताकि एक ऑफ रोडिंग में इसका कैसा परफॉर्मेंस है वो हमें पता चले। अभी मैं फिलहाल सेडलिंग करके कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में सेटलिंग करने में मुझे इशू आ रहा है क्योंकि इसके हैंडल बार अपराइट पोजीशन में तो है, लेकिन अगर आप बैठ के चला रहे हो तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा ये, लेकिन अगर आप खड़े हो रहे हो तो आपको थोड़ा दिक्कत देगा। आपको मेरे ख्याल से इसमें हैंडल बार रेजर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक लेके जाना चाहते हो तो। बट एज ऑन दी सस्पेंशन साइड ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसके टायर्स भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया तो ऑफ रोडिंग में आपको अच्छे से आपको ये ग्रिप देंगे तो ये अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो बाइक को लेके, तो आप अगर इसमें अच्छा खासा लगेज भी लेके जाओगे, अच्छा खासा सामान भी लेके जाओगे ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस बाइक में, क्योंकि इस बाइक का टॉप एंड और मिड रेंज में आपको काफ़ी अच्छा पावर डिलीवरी मिलता है। ऑफ रोडिंग में भी मैंने अभी देखा पावर डिलीवरी इसका सुपर्ब है, मतलब मज़ा आ गया ऑफ रोडिंग करने के लिए भी। लेकिन कैसा है कि बाइक का वेट जो है 177 kg, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा एक ऐसा लगेगा कि हैवीनेस थोड़ा फील होगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ आपको। बट उसके अलावा बाइक वॉज रियली गुड, बाइक वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल। इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो मतलब मैं आपको बोल ही रहा हूँ कब से। इसका जो टॉर्क है 24 Nm का टॉर्क है, लेकिन इसका जो पावर आपको मिलता है 29.5 BHP का पावर मिलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसके हिसाब से आपको सीरियसली परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होने वाली। गाइस अगर इसके फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो लोग कहते हैं कि आपको इसमें 25 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें एक रियल फिगर बताने वाला हूँ। मेरा फ्रेंड इसको डेली यूज़ करता है, वो ऑफिस जाता है इसको लेके, एंड नॉर्मली सिटीज़ में अगर इसको आप राइड कर रहे हो तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि इसमें आपको अराउंड 20 से लेके 24 तक की ही माइलेज आप इसमें एक्सपेक्ट करना उतनी ही मिलने वाली है। और अगर आप कभी हाईवे पे जाते हो, आपका लॉन्ग रूट है, और लॉन्ग रूट में क्या होता है ना, आपके गियर शिफ्ट नहीं करते हो, आप नॉर्मली एक ही स्पीड पे चलते रहते हो, तो वहाँ पे आपका जो है फ्यूल कम यूज़ होता है। तो उसके वजह से ना इसमें क्या होता है कि आपको मतलब जो फ्यूल इकोनॉमी वो आपकी अच्छी निकल के आती है। तो आप अगर हाईवे पे जाते हो तो हाईवे पे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 32, 34, 35 यू कैन एक्सपेक्ट। बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 30 या 32 दे दिया अगर इसने तो भी बहुत बड़ी बात है। इसकी हैंडलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके हैंडल और हेडलाइट दोनों अलग है। तो ये बाइक को अगर आप ऐसे ऐसे अगर आप कभी मूव करते हो या ऐसे ऐसे अगर आप कभी मूव करते हो ना, तो एक्चुअली बाइक काफ़ी इजीली मूव करेगी आपको। हैंडलिंग में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इस बाइक का टॉप एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बाइक आपको टॉप स्पीड देगी अराउंड 140-145, और ये आपके वेट के ऊपर भी कैरी करता है। अगर आपका वेट कम है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरे ख्याल से 145 की टॉप स्पीड है। ओके, तो उतना आपको ये इजीली आप मतलब उतने तक तो आप इजीली जा सकते हो, क्योंकि इस बाइक का इंजन स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ इनफ है। तो आप जब इसको इजीली जब आप पुल करोगे तो 145 इजीली इसमें टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। सो ऑन द फाइनल वर्डिक्ट, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये मतलब मुझे बाइक कैसी लगी, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। सो पहली बात आती है कि प्राइस पॉइंट, ये बाइक आपको किस प्राइस पॉइंट में मुंबई में डिलीवर होती है। सो KTM 250 एडवेंचर का प्राइस है 283,000 ऑन रोड इन मुंबई।
सो एट दिस प्राइस पॉइंट अगर आपको KTM की एक एडवेंचर बाइक मिल रही है और इसका पावर फिगर भी मैंने आपको बताया, इसका परफॉर्मेंस भी बताया, टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, तो मेरे लिए आप मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा गुड डील हो सकता है। बिकॉज आजकल आप देख रहे हो कि एडवेंचर बाइक, नॉर्मली एडवेंचर बाइक का क्रेज़ काफ़ी बड़ा है, हर कोई कंपनी एडवेंचर सेगमेंट में नई नई बाइक्स ला रही है। तो एडवेंचर बाइक में अगर मैं आपको बताऊं जो KTM 250, इट इज़ अ वेरी गुड बाइक एंड इट हैज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, सो मेरे हिसाब से ये बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।